अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात मुजद्दिदात लेके आता हूँ और इंशाल्लाह आता रहूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा नुस्खा है, वो है इस्तिस्का से छुटकारा पाएं, यानी पेट में पानी का भर जाना। दोस्तों, पेट में पानी जब भरता है तो पेट फूलने लगता है और अजीब दिक्कत सी महसूस होती है, वगैरह वगैरह। जो इसमें दिक्कतें परेशानियां हैं वो मेरी और वीडियो में देख सकते हो, इस वक्त मैं तफसील में ले जा रहा हूँ। आप यूँ समझ लीजिए, इस्तिस्का यानी पेट में पानी भर जाना, उससे कैसे छुटकारा पाएं। तो आइए नुस्खे की तरफ मैं लेके चलूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आपके पेट में पानी भर चुका है और आप इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई इफाका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप मेरा नुस्खा ज़रूर आजमाएं। आप करेले ले लें जितने आपको मतलूब हो, जिनमें से गालिबा 5 तोला जूस निकल जाए, ठीक है, यानी अर्क निकल जाए। 5 तोला करेलों का अर्क ले लें आप, ठीक है, उसे कूटें पीसें या जिस तरह से भी आप अर्क निकाल लें, उसको बस 5 तोला अर्क ले लें। 5 तोला अर्क में आप 2 तोला शहद मिला लें और 6 कतरे कलौंजी के तेल के मिलाकर दिन में एक बार किसी भी टाइम रोज़ाना पिए, और ये आपको गालिबन कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करते ही आपको बहुत फ़वाइद और अच्छे नतायज सामने आएंगे और आप खुद महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस्तिस्का से छुटकारा पाना, आपके पेट में पानी भर चुका है, इस बीमारी से आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें बना के, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर नवाजें। इंशाल्लाह फिर होगी अगली वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए भी आप हमें इजाज़त दें।